नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मीठा सूजी उपमा बनाने जा रही हूँ। एक कप सूजी डाल के लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सूजी थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम उसको एक प्लेट में निकाल देंगे। ये सारे वेजिटेबल्स मैं उपमा में डालने वाली हूँ। अभी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच घी डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, फिर कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अभी हम उसमें ओनियन डाल देंगे, उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। इसमें अभी हम सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी हम थोड़ा सा टमाटर डाल के उसको फ्राई कर लेंगे, फिर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। वेजिटेबल्स पक गया है, अभी हम उसमें 2 कप पानी डाल देंगे। पानी बॉईल होने लगा है, अभी हम उसमें 3 चम्मच चीनी डाल देंगे। फिर हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। पहले से फ्राई किए हुए मूंगफली डाल देंगे। अभी हम सूजी ऐड करने वाले हैं, उसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, कंटिन्यूस मिलाते रहेंगे जब तक वो ड्राई ना हो जाए। धीरे धीरे मिलाते रहेंगे फ्लेम को हाई करके। गैस को बंद कर दें और उसको 5 मिनट के लिए कवर कर दें। अभी देखिए सूजी अच्छे से पक गया है, फिर अभी हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म मीठा उपमा तैयार है। आप इसको एक कटोरी में कटोरी शेप में डेकोरेट करके सर्व कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।